नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मिथिलेश सरदार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक वर्कआउट वीडियो करने वाले हैं बाइसेप पीक के लिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर योर बाइसेप पीक के लिए। तो इनमें जो कि है ड्रैग कर्ल, इस काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, और जिनको नहीं पता है तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, और जिन्होंने जो इस एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपको इसको करना करना है, इसमें आप इस तरीके से एक बारबल लोगे, या तो आप एक जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या तो थोड़ा पतला भी ले सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मली इस बार को यूज़ करता हूँ जो कि ओलंपिक हर जिम में मेरे ख्याल से होगा ही होगा। तो इसको देखिए किस तरीके से परफॉर्म करना है। इस तरीके से बॉडी को आपको थोड़ा सा झुकना है, ठीक है, चेस्ट थोड़ा बाहर रहेगा, और ऐसे ड्रैग करना है, ऊपर की ओर जाना है, और एल्बो आपका पीछे की ओर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो इस तरीके से उठाते हैं फिर इसको पीछे करते हैं, ऐसे नहीं करना। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका जो एल्बो है वो पीछे की ओर जाएगा, ये देखिए, ये आपके बिल्कुल बाइसेप पीक पे पड़ेगा। इस तरीके से आप जाओगे इस तरीके से, और यहाँ पे मसल को स्क्वीज करना है, ठीक है, इस तरीके से जाओगे, मसल को स्क्वीज करना है, ऐसे सीधा नहीं करना है, ठीक है। सीधा करने से क्या होता है कि जो आपका हो सकता है कि जब बारबल को आप ऊपर की ओर लिफ्ट करते हो तो हो सकता है कि काफ़ी बंदों के थोड़ा पेट भी होता है तो उनका पेट लग सकता है, रास्ते में पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपको हल्का आगे की ओर लीन होना, मतलब आगे की ओर थोड़ा बैंड होना, उसके बाद इसको इस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। रैप का इसमें इसको आपको ध्यान रखना है कि 10 से 12 रैप के साथ आप इसको 3 से 4 सेट करोगे। और मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप एक्सरसाइज ख़त्म कर लेते हो, जब आपका फेलियर सेट होने वाला, मतलब कि जब आप लास्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे, उस समय इसको परफॉर्म करोगे बाइसेप पीक के लिए, तो उस समय जो आपका जो कॉन्ट्रेक्शन है और ये वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि बाइसेप पीक के लिए आपको अब कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आगे ऐसी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज मैं आने वाली वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।